तो कितना ही विरोधी हो उसको अपने साथ लेकर सत्ता में भागीदार बनाते थे, बुला करके। ये हर एक आदमी नहीं कर सकता है, बहुत उदार बना व्यक्ति इस तरह के कार्य कर सकता है। नाम मैं नहीं गिनाना चाहता, लेकिन उन्होंने मेट्रोपॉलिटन में जिन लोगों को नामजद किया उनमें कई सारे ऐसे थे जो चौधरी ब्रह्म प्रकाश के साथ नहीं होते थे, कई बार विरोध भी करते थे, लेकिन उनको बुला करके उन्होंने मेट्रोपॉलिटन में नामजद किया। 3 वर्ष का काल कोई लंबा काल नहीं होता है। 3 वर्ष तक वो मुख्यमंत्री रहे, 1956 में विधानसभा भंग हो गई। उससे पहले गुरमुख निहाल सिंह जी थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री बने, चौधरी साहब ने उनका भी पूरा साथ दिया, अमन साहब का पूरा साथ दिया, डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी का पूरा साथ दिया, सुशीला नैयर का पूरा साथ दिया और ब्रजकिशोर गांधीवाला जी का पूरा साथ दिया। उन दिनों दिल्ली की राजनीति चांदनी चौक से चलती थी, उस राजनीति में भी अपने आप को ऊपर ला करके मुख्यमंत्री बनना हंसी खेल नहीं था। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, खास करके माननीय अग्रवाल साहब गोयल साहब के लिए, देखिए ये जो वर्ग बैठा है किसान वर्ग और आपसे मतलब अग्रवाल समाज पूरा, जिनमें 16 साढ़े 16 गोत्र हैं, ये सब आपस में सदा एक रहे। यहां एक नाथ प्रणाली नहीं थी इस इलाके में, मगध में हो सकती है, उड़ीसा में हो सकती है, दक्षिण भारत में हो सकती है उस समय, लेकिन 2000 साल पहले और उससे पहले महाभारत से भी, महाभारत काल 5000 वर्ष का है, उस काल से भी आप और ये सब एक थे। यहां एक राज प्रणाली बहुत कम समय रही है, एक राजा, यहां गणतंत्र प्रणाली थी, पंचायती राज था और उसमें 3 तरह के लोग होते थे। एक तो थे वार्तोपजीवी, वार्ता कहते हैं व्यापार को, जो व्यापार के सारे जीवन चलाते थे। दूसरे थे वार्ता शस्त्रोपजीवी, व्यापार भी करते थे और समय पड़ने पर हथियार भी उठाते थे। तो दूसरी प्रकार के लोगों में आप और हम सब थे। तीसरे थे आयुद्धजीवी, आयुद्धजीवी को जनरल करिंगहम ने लिविंग बाय फाइटिंग लिखा है कि वो हथियार के सहारे अपना जीवन चलाते थे। तो आप और हम सब दूसरे वर्ग में भी थे और तीसरे वर्ग में तो थे ही थे। उसके उदाहरण है, वो इस समय नहीं कहूंगा क्योंकि बड़ा लंबा हो जाएगा, अग्रोहा से जहां से आप सबका निकास हुआ है, वहां पर जब कुशाणों का आक्रमण हो गया था तो आप लोगों ने हथियार भी उठाए थे और इसलिए उठाए थे कि आप वार्तो शस्त्रोपजीवी वर्ग में थे। उस बात को छोड़ता हूं। हमारा जो इतिहास है और जिसका डीएनए चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी में था, वो बड़ा महान और उज्ज्वल रहा है और उसने थोड़ी जगह नहीं बृहत्तर भारत का निर्माण किया है, जिसको ग्रेटर इंडिया महेंद्र जी कहते हैं, जिसमें पूरा दक्षिण पूर्व एशियाई देश, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब आ जाते हैं और अफगानिस्तान पूरा का पूरा, उसके साथ में कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, गंधार जिसकी तक्षशिला राजधानी थी, ये सब, इन सब में आप सबका व्यापारिक संबंध भी था और राजनीतिक संबंध भी था। हम तो जाते हैं घूमने के लिए यूरोप और अमेरिका, मैं सदा कहता हूं गोयल साहब कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए घूमने के लिए। घूमने के लिए आप यदि जाएं तो कंबोडिया जाइए, थाईलैंड जाइए, इंडोनेशिया जाइए, वह हमारी संस्कृति बिखरी पड़ी है।
अंकोर वाट एक ऐसा मंदिर है दुनिया में, उससे बड़ा दुनिया में कोई मंदिर नहीं है। और यदि आप उसको ध्यान से देखना चाहें तो दो दिन भी उसके लिए ज्यादा नहीं है, दो दिन में आप देख नहीं सकते। मैं फिर अपने उसी पर लौटता हूं और कहना चाहता हूं कि चौधरी प्रेमप्रकाश जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारी बिटिया बोली बहुत अच्छा लगा, राजनीतिक परिवार से हैं, आगे आना चाहती तो आ सकती थी। सुरेश जी सर्विस छोड़कर के राजनीति में आना चाहते तो आ सकते थे। हम सब पलक पावड़े बिछाते इनके लिए, लेकिन चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने कभी नहीं चाहा कि मेरी ताकत का इस्तेमाल करके मेरे परिवार के लोग आगे आए, आप सब आगे आए, ये वो चाहते थे और यही उनका बड़े महान व्यक्ति थे। हमारे यहां कहा जाता है कि एक आदमी समाज में यदि कुछ काम कर गया, प्रसिद्धि मिल गई, तो वो यदि 200 साल तक उसको चौधरी फतेह सिंह जी याद किया जाता है तो वो महापुरुष कहलाएगा, और 200 साल के बाद 1000 साल तक यदि किसी को याद किया जाता है तो देवता कहलाने लग जाता है, और उससे भी ज्यादा समय तक जो लोगों के दिलों पर राज करता है वो भगवान हो जाता है। श्री कृष्ण जी भगवान क्यों है? ये नहीं है कि वो भगवान थे, लेकिन यशोवान थे, रास्ता दिखाते थे। महाभारत पूरा का पूरा क्या है सिवाय इसके कि भगवान श्री कृष्ण जी ने न्याय और अन्याय में फैसला कराने के लिए कराया था, और उन्हीं के वंशज श्रद्धे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी थे। मैं फिर से इसलिए माननीय गोयल साहब का आभार व्यक्त करता हूं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से। इनके आने से पहले मैं इनके चैम्बर में गया, वहां चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी का फोटो देखकर अत्यधिक खुशी हुई, और उसके साथ साथ बरामदे में इन्होंने उन महापुरुषों को और विशेष करके क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश के लिए आजादी दिलवाई उनके फोटो लगाकर जो लिख सकते थे थोड़ा सा उसके नीचे वो सब लिखवाया। आखिर मैं एक बात कहकर के खत्म करना चाहता हूं, माननीय गोयल साहब को जाना भी है। श्री भगवान जी ने एक बात कही थी, वो बात महेंद्र यादव जी बड़े पति की है। हमारे यहां नौजवानों में ड्रग्स का प्रचलन हो रहा है, बहुत बुरी बात है। ये कभी सोचा भी नहीं होगा चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने कि दिल्ली देहात में ड्रग्स का चलन होगा। एक छोटी सी बात आपको कहता हूं, देखिए कालिदास के दरबार में नहीं, राजा भोज के दरबार में एक कवि थे। राजा भोज ने कहा कि ये बताओ आदमी का सर्वनाश कब होता है, तो एक छोटी सी लाइन दी, नष्टस्य कान्यागति, आदमी का सर्वनाश कैसे होता है। और कहा जो कवि थे उसको भोज ने कि इसका जवाब दीजिए, आप तो प्रत्युत्पन्न मति हैं, अभी जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं दूंगा, बिना समय कही हुई बात का असर नहीं होता है, इसलिए समय आएगा तब दूंगा। एक दिन राजा सवारी निकाल रहा था सालाना शहर के अंदर से, हाथी पर बैठा था। तो पुराने जमाने में ये होता था कि राजा उसके सामने भी सन्यासी आ जाए या नया स्नातक आ जाए तो राजा उतर करके उसके पैर छू करके प्रणाम करता था। भिक्षु को देखकर उतर गए, प्रणाम किया, प्रणाम करके ऊपर उठने लगे तो देखा कि भिक्षु के खप्पर में मांस है। राजा ने कहा भिक्षु हो मांसाचरण, तो भिक्षु होकर के मांस खाते हो?
तो भिक्षु ने क्या जवाब दिया, सन्यासी ने क्या जवाब दिया कि तेना मत देव, बिना शराब के क्या मजा है। अच्छा शराब भी पीते हो, कहां से लाते हो पैसा शराब के लिए? कि मिल जाता है आप जैसे से। तो कब पीते हो शराब? कि शराब तब पीता हूं जब कोठे पर जाना होता है। जब ये बात कही तो कहां तो राजा उसके पैर छूने को झुका था, पैर छुए थे, और ये बात सुनते ही थप्पड़ उठाया राजा ने और मारना चाहा, तो भिक्षु ने कहा नष्ट से कन्या गति। राजा समझ गया कि तूने जो पूर्ति समस्या पूर्ति की बात कही थी वो कह रहा है, तो ये हालत होती है। कोई भी बुराई अकेली नहीं आती, एक बुराई यदि जीवन में आ गई तो दूसरी उसके साथ साथ चली आएंगे। इसलिए हमें आज ये प्रण लेना चाहिए चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की प्रतिमा के सामने कि हम न खुद किसी व्यसन में पड़ेंगे और न अपनी आने वाली पीढ़ी को व्यसनी बनने देंगे। ये दो दिशा के प्रति हमारी शक्ति श्रद्धांजलि होगी और हम उनके असली अनुयायी होंगे। इन शब्दों के साथ मैं उनको अपने हृदय की समस्त गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके अनुयायी बनकर उनसे प्रेरणा लेते रहें। आप सबका धन्यवाद।